एडिशन ऑफ मैट्रसेस तो अगला जो हम मैट्रसेस में ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं वो उनका एडिशन है सपोज करो एज इक्वल टू ए आई जे और बी इज इक्वल टू बी आई जे कोई मैट्रिक्स हो यानी कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं इनके एलिमेंट ए आई जे और बी आईजे हैं तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अगर कोई मैट्रिक्स हो तो हम कहेंगे ये A और बी का एडिशन है ये एडिशन तभी डिफाइंड है जब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम हो यानी अगर A, M cross N की मैट्रिक्स है, तो बी का भी ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर तो अगर ए और बी सेम ऑर्डर की हैं, तो मैं उनका एडिशन कर सकता हूं अदरवाइज तो कर ही नहीं सकता हूं और अगर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे सी वन वन की वैल्यू ए वन वन प्लस बी वन वन होगी सी वन टू की वैल्यू ए वन टू प्लस बी वन टू होगी और सी एम एन जो कि सी का लास्ट एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू एम एन प्लस बी एम एन के इस चीज को के एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं गिवन ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ए प्लस बी। तो मान लेते हैं ए प्लस बी की वैल्यू सी है तो पहली बात इस मैट्रिक्स ए में दो रो और तीन कॉलम है इसका मतलब ए का ऑर्डर टू क्रॉस थ्री है ऐसे ही जो मैट्रिक्स बी है इसमें भी दो रो और तीन कॉलम है इसलिए इसका भी ऑर्डर टू क्रॉस थ्री है दोनों के ऑर्डर सेम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइंड है और अगर इनका एडिशन ए प्लस बी इक्वल टू सी हो तो सी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका पहला एलिमेंट सी वन वन विल बी इक्वल टू ए वन वन प्लस बी वन वन हो जाएगी टू प्लस अंडर रूट थ्री इसका सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा ए वन टू प्लस बी वन टू ये सी वन टू की वैल्यू हो जाएगी विच विल बी इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव और नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा सी वन थ्री की वैल्यू हो जाएगी ए वन थ्री प्लस बी वन थ्री विच विल बी इक्वल टू वन प्लस वन टू सी टू वन की वैल्यू ए टू वन प्लस बी टू वन हो जाएगी विच विल बी इक्वल टू टू प्लस माइनस टू जीरो सी टू टू की वैल्यू ए टू टू प्लस बी टू टू हो जाएगी विचवल थ्री प्लस थ्री सिक्स और सी टू थ्री की वैल्यू ए टू थ्री प्लस बी टू थ्री हो जाएगी विचवल जीरो प्लस हाफ वन बाई टू इस तरीके से ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एड करके जो नई मैट्रिक्स बनी टू प्लस रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट फाइव टू जीरो सिक्स एंड हाफ ये मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गई मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसको मैं ए आई जे से डिनोट करता हूँ और ये कोई एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो मैं एक नई मैट्रिक्स बी डिफाइन कर सकता हूँ जिसकी वैल्यू के ए है जहाँ पर के सम स्केलर जैसे कोई नंबर होगा तो अगर बी इज इक्वल टू के ए है तो इसका मतलब इस नई मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे के लिए बी आई जे इज इक्वल टू के ए आई जे इसका मतलब बी वन वन की वैल्यू के इंटू ए वन वन हो जाएगी बी वन टू की वैल्यू के इंटू ए वन टू हो जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ बी एम एन की वैल्यू के इंटू ए एम एन हो जाएगी यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं ए के वो सारे के सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे अब यहां पर देखें तो मैं एक नया टर्म डिफाइन कर सकता हूं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए हो तो मैं नेगेटिव ऑफ ए एक ऐसी मैट्रिक्स माइनस ए डिफाइन कर सकता हूं जिसकी वैल्यू माइनस वन इन टू ए हो जाएगी सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट्स के नेगेटिव हो जाएंगे और चूंकि मैंने नेगेटिव ऑफ ए डिफाइन कर दी या नेगेटिव ऑफ बी डिफाइन कर दी तो आई कैन डिफाइन समथिंग कॉल्ड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस मैं ए माइनस बी टाइप का एक टर्म डिफाइन कर सकता हूं जहां ए माइनस बी का मतलब है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स माइनस बी यानी कि अगर मैं मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी के नेगेटिव को ऐड करूं तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो ए माइनस बी हो जाएगी इन सारे कंसेप्ट को देखते हैं इस एग्जाम्पल में उन्होंने कहा इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड टू ए माइनस बी टू ए का मतलब है कि ये जो मेरी मैट्रिक्स ए है इसके सारे एलिमेंट्स को टू से मल्टीप्लाई कर दें तो वन की, की जगह पर यहां पर टू आ जाएगा टू की जगह पर फोर आ जाएगा थ्री की जगह पर सिक्स आ जाएगा टू की जगह पर फोर थ्री की जगह पर सिक्स और वन की जगह पर टू तो ये जो मैट्रिक्स हुई वो ट्वाइस ऑफ ए हो गई इसी तरीके से जो मैट्रिक्स माइनस बी है इसका मतलब है बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू माइनस थ्री वन माइनस थ्री वन जीरो और माइनस टू हो जाएगी और जब मैंने टू ए और माइनस बी दोनों डिफाइन कर दिया तो टू ए माइनस बी जिसकी वैल्यू टू ए प्लस माइनस बी है यानी कि वो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का सम है इसकी वैल्यू हो जाएगी टू ए माइनस बी इज इक्वल टू पहला एलिमेंट हो गया टू और माइनस थ्री का सम विच इज माइनस वन फिर अगला एलिमेंट हो गया फोर और वन का सम फाइव सिक्स और माइनस थ्री का सम थ्री फोर और वन फाइव सिक्स और जीरो सिक्स और टू और माइनस टू जीरो तो ये जो नई मैट्रिक्स बनी ये टू ए माइनस बी हो जाएगी अब ये जो मैट्रिक्स एडिशन है ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज फॉलो करता है पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और कोई दूसरी मैट्रिक्स बी है जहां पर ए प्लस बी डिफाइंड है यानी कि दोनों सेम ऑर्डर के होंगे तभी यह हो सकता है तो ए प्लस बी की वैल्यू बी प्लस ए के इक्वल होगी इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ यानी कि सपोज करो मेरे पास ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं जिनमें एडिशन अलाउड है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि हर मैट्रिक्स ए के लिए एक जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसको ए में ऐड करें तो मुझे वापस ए मिल जाएगा और ये ज़ीरो जो होगी वो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा सेम एज ए और इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे लाइक दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हर मैट्रिक्स ए के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स माइनस ए एग्जिस्ट करती है सच दैट ए प्लस माइनस ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स एडिशन की अब मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखूं, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ हैं पहली बात हो गई के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो ए जो मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट ए आई जे है इसका ऑर्डर सपोज करो एम क्रॉस एन है और एक दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स बी आई जे हैं और इनका भी ऑर्डर क्रॉस एन है तभी ए प्लस बी जैसा कोई टर्म डिफाइंड होगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड है के इन ए प्लस जे इसका मतलब एक ऐसी एलिमेंट के इन ए आई जे प्लस बी आई जे हो जाएगा इसकी वैल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन का लॉ लगाएं उसकी वैल्यू हो जाएगी के इन टू ए प्लस के इंटू बी आई जे इसको मैं कहूं तो के इंटू ए आई जे को एक अलग ब्रैकेट में रख लू और के इंटू बी आई जे को एक दूसरे ब्रैकेट में रख लू तो ये हो गया के ए प्लस के बी यानी किसी स्केलर से a प्लस बी को मल्टीप्लाई करने पे वो स्केलर a और b पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिवनेस की ही है लेकिन इस बार के और एल दो स्केलर्स हैं जिनसे ए को मल्टीप्लाई किया तो इस के प्लस एल इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी के प्लस एल इंटू ए आई जे विच विल बी इक्वल टू के इंटू ए आई जे प्लस एल इंटू ए आई जे इसको मैं चाहूं तो के इंटू ए आई जे को एक ब्रैकेट में कर लूं एल इंटू ए आई जे को एक ब्रैकेट में कर लू तो दिस विल बी इक्वल टू के ए प्लस एल ए ये यहाँ पर मिस्टेक है ये बी नहीं ये एल ए होगा तो बाद मैं ए किसी मैट्रिक्स को के प्लस एल के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है और उसकी वैल्यू के ए प्लस एल ए हो जाती है अब हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये सॉल्व एग्जाम्पल कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस गिवन मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस अदर मैट्रिक्स देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट टू ए प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव बी तो यहां पर हम क्या करेंगे जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरीके से ये मैट्रिसेस की इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव बी तो यहां पर मैं नॉर्मल इक्वेशन की तरह से थ्री एक्स की वैल्यू फाइव बी माइनस टू ए लिख सकता हूं या x की वैल्यू फाइव बाई थ्री बी माइनस टू बाई थ्री ए लिख सकता हूं अब फाइव बाई थ्री बी का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके हर एलिमेंट की वैल्यू b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का फाइव बाई थ्री है इसका मतलब अगर मैं फाइव बाई थ्री बी ये मैट्रिक्स लिखूं तो इसके एलिमेंट हो गए टू इंटू फाइव बाई थ्री विच इज टेन बाई थ्री माइनस टू इंटू फाइव बाई थ्री जिस माइनस टेन बाई थ्री ऐसे ही फोर इंटू फाइव बाई थ्री ट्वेंटी बाई थ्री टेन बाई थ्री माइनस फाइव इंटू फाइव बाई थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव बाई थ्री और वन इंटू फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री ये फाइव बाई थ्री मैट्रिक्स हो गई और माइनस टू बाई थ्री ए का मतलब है ये ए के हर एलिमेंट को टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं एट इंटू टू बाई थ्री हो जाएगा सिक्सटीन बाई थ्री जीरो तो जीरो ही रहेगा फोर इंटू टू बाई थ्री हो जाएगा एट बाई थ्री माइनस टू इंटू टू बाई थ्री हो जाएगा माइनस फोर बाई थ्री थ्री इंटू टू बाई थ्री हो जाएगा टू और सिक्स इंटू टू बाई थ्री हो जाएगा फोर ये दो मैट्रिसेस हैं

माइनस टेन बाई थ्री में से जीरो सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस टेन बाई थ्री हो जाएगा ट्वेंटी बाई थ्री में से एट बाई थ्री सब्ट्रैक्ट किया तो ट्वेल्व बाई थ्री विच बी फोर टेन बाई थ्री में से माइनस फोर बाई थ्री सब्ट्रैक्ट किया प्लस फोरटीन बाई थ्री माइनस माइनस मिलकर वो प्लस फोर हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव बाई थ्री में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी माइनस थर्टी वन बाई थ्री और फाइव बाई थ्री में से फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सेवन बाई थ्री तो ये मेरा सल्यूशन हो गया ये एक्स की वैल्यू हो गई इस तरीके से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लीकेशन सारे काम करके ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं ये प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह है यहां पर उन्होंने कहा फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस तो जैसे हम लोग दो इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही अगर मैं इस स्टेटमेंट को इक्वेशन वन लिखूं और इस स्टेटमेंट को इक्वेशन टू लिखूं, तो अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर लू जैसे मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन होती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर तो हम क्या करते वाई को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर लेते तो दोनों वाई कैंसिल हो जाते इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस वाई और x माइनस वाई एड होकर टू एक्स दे देंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव प्लस थ्री एट टू प्लस सिक्स एट जीरो प्लस जीरो जीरो एंड नाइन माइनस वन एट अब अगर टू एक्स की वैल्यू एट एट जीरो एट हो गई तो x की वैल्यू हाफ ऑफ दिस और हाफ ऑफ दिस का मतलब है कि हर एलिमेंट को मुझे हाफ कर देना है तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स और हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि हर एलिमेंट को मुझे हाफ कर देना है तो ये हो गया फोर फोर जीरो फोर ये मैट्रिक्स एक्स आ गई अब मैट्रिक्स वाई की वैल्यू हो गई वाई इज इक्वल टू फाइव टू जीरो नाइन माइनस एक्स तो मैंने पहली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो यहां पर मैं एक्स की जगह पर फोर फोर जीरो फोर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरी वाई की वैल्यू हो जाएगी फाइव माइनस फोर वन टू माइनस फोर माइनस टू जीरो एंड नाइन माइनस फोर फाइव तो ये मेरा एक्स आ गया ये मेरा वाई आ गया तो जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते थे इस तरीके से पेयर ऑफ लीडर इक्वेशन इन मैट्रिक भी सॉल्व कर लेंगे ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहां मुझे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से मिलेंगे तो यहां पर जो इक्वेशन है वो ये कहती है टू ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स टू ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरी मैट्रिक्स आएगी उसका पहला एलिमेंट हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री दूसरा एलिमेंट हो जाएगा टू इंटू फाइव टेन माइनस फोर तो ये सिक्स हो जाएगा थर्ड एलिमेंट हो जाएगा टू इंटू सेवन फोरटीन प्लस वन फिफ्टीन और ये लास्ट एलिमेंट हो जाएगा टू इंटू वाई माइनस थ्री प्लस टू तो टू इंटू वाई माइनस थ्री हो जाएगा टू वाई माइनस सिक्स और इसमें टू ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर और इस मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई सेवन सिक्स फिफ्टीन फोर्टीन अब मैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट देखूं तो हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए तो सिक्स तो सिक्स के इक्वल है ही फिफ्टीन फिफ्टीन के इक्वल है अगर मैं टू एक्स प्लस थ्री को सेवन से इक्वेट कर दूं तो यहां से x की वैल्यू सेवन माइनस थ्री बाई टू यानी कि टू आ जाएगी और मैं टू वाई माइनस फोर को 14 से इक्वेट कर दूं तो यहां से y की वैल्यू 14 प्लस फोर एटीन बाई टू नाइन आ जाएगी तो इस तरीके से इस सेट ऑफ इक्वेशन के लिए x की वैल्यू टू और y की वैल्यू नाइन आ गई अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इस वर्ड प्रॉब्लम में कह रहे हैं टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टीवेट ओनली थ्री वैरायटी ऑफ राइस द सेल ऑफ थ्री वेराइटीज बाई बोथ फार्मर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड ऑक्टूबर इज गिवेन बाई मैट्रिक ए एंड बी तो ये मैट्रिक्स ए जो है ये राम किशन ऊपर वाली रो जो है ये राम किशन की है और नीचे वाली रो गुरचरण सिंह की है इन्होंने पहले महीने में तीन अलग अलग वैरायटी की कितनी सेल करी ये इस मैट्रिक्स से पता चलता है यानी कि राम किशन ने पहली वैरायटी के सितंबर में 10,000 यूनिट सेल करी दूसरी वैरायटी की 20,000 यूनिट सेल करी तीसरी वैरायटी की 30,000 यूनिट सेल करी नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में रामकिशन ने पहली वैरायटी की 5,000 यूनिट सेल करी दूसरी वैरायटी की 10,000 यूनिट सेल करी तीसरी वैरायटी की 6,000 यूनिट सेल करी और ऐसे ही नीचे ये गुरचरण सिंह के सेल्स हैं ये कह रहे हैं फाइंड द कंबाइंड सेल्स ऑफ टू मंथ्स ईच फार्मर इन ईच वायी तो अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूं तो जो कंबाइंड सेल्स है वो ए प्लस बी हो गई ए प्लस बी का मतलब हो गई कि राम किशन ने पहली वराइटी के टेन थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट सेल करी दूसरी वरायटी के ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी थाउजेंड यूनिट सेल करी और थर्ड वैरायटी की थर्टी थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट सेल करी इसी तरीके से अगर मैं गुरचरण सिंह के लिए देखूं तो इसने पहली वैरायटी के लिए पहले मंथ में फिफ्टी थाउजेंड और दूसरे मंथ में ट्वेंटी थाउजेंड यानी कि सेवेंटी थाउजेंड यूनिट सेल करी सेकेंड वैरायटी के लिए थर्टी थाउजेंड और टेन थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड यूनिट सेल करी और थर्ड वैरायटी के लिए टेन थाउजेंड और ट्वेंटी टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट सेल करी। जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है फाइन डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर तो डिक्रीज इन सेल विल बी गिवन बाय ए माइनस बी जो दोनों का डिफरेंस है वो ये बताएगा कि सेप्टेंबर से अक्टूबर जाने में दोनों फार्मर की हर वैरायटी में कितना डिक्रीज हुई तो जो रामकिशन सिंह की पहली वैरायटी की सेल थी वो टेन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड ये पांच हजार यूनिट कम हो गई दूसरी वैरायटी ट्वेंटी थाउजेंड में से टेन थाउजेंड गए टेन थाउजेंड यूनिट कम हुई थर्ड वैरायटी थर्टी थाउजेंड की जगह सिर्फ सिक्स थाउजेंड रह गई यानी कि ट्वेंटी फोर थाउजेंड यूनिट कम हो गई इसी तरह से गुरचरण सिंह के लिए जो पहली वाली वैरायटी थी वो फिफ्टी थाउजेंड की बजाय सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड रह गई तो यहां पे डिक्रीज थर्टी थाउजेंड की हो गई दूसरी वैरायटी के लिए थर्टी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड की डिक्रीज हो गई और थर्ड वराइटी सितंबर में भी टेन थाउजेंड यूनिट बिकी थी अक्टूबर में भी टेन थाउजेंड यूनिट बिकी थी इसका मतलब इस वराइटी में गुरचरण सिंह की कोई भी डिक्रीज नहीं हुई तो ये जो मैट्रिक्स ए माइनस बी है सितंबर से अक्टूबर तक दोनों किसानों के तीनों वैरायटीज में क्या डिक्रीज है इसकी वैल्यू हो गई अब जो थर्ड पार्ट है दिस इज इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज टू परसेंट ऑफ सेल्स फाइंड प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी इन अक्टूबर। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट टू परसेंट ऑफ सेल है तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा टू बाई हंड्रेड इंटू इंटू क्योंकि मुझे अक्टूबर के लिए निकालना है इंटू मैट्रिक्स बी यानी कि मुझे अक्टूबर में जो सेल हुई है उसको अगर मैं हर एलिमेंट को टू बाई हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हर वैरायटी का गिवन फार्मर के लिए प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा ये फिर मैं ओरल कर दे रहा हूं अगर आपको जरूरत लगती है तो यू कैन यूज पेपर एंड पेन तो फिफ्टी थाउजेंड का टू परसेंट हो गया हंड्रेड रुपीज टू बाई हंड्रेड इंटू फिफ्टी थाउजेंड करोगे तो हंड्रेड आ जाएगा ऐसे ही टेन थाउजेंड के लिए टू हंड्रेड रुपीज हो गया सिक्स थाउजेंड के लिए वन ट्वेंटी रुपीज हो गया ट्वेंटी थाउजेंड के लिए नंबर हो गया टू बाई हंड्रेड इंटू ट्वेंटी थाउजेंड विच विल बी फोर हंड्रेड रुपीज थाउजेंड के लिए फिर से टू हंड्रेड रुपीज और टेन थाउजेंड के लिए फिर से टू हंड्रेड रुपीज तो ये हर फार्मर का हर वैरायटी के लिए अक्टूबर में प्रॉफिट कितना है ये निकल करके आ गया यानी कोई मुझसे पूछे कि गुड़चरण सिंह ने थर्ड वैरायटी में अक्टूबर में कितना प्रॉफिट कमाया तो मैं कहूंगा गुड़चरण सिंह का थर्ड वैरायटी में अक्टूबर का प्रॉफिट हंड्रेड रुपीज था कोई मुझसे पूछे कि राम किशन का सेकेंड वैरायटी में अक्टूबर का प्रॉफिट कितना था तो राम किशन का सेकेंड वैरायटी में अक्टूबर का प्रॉफिट टू हंड्रेड रुपीज था इस तरीके से मैट्रिक्स मुझे इस सारी इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की इंडिपेंडेंस देती